शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में हिमाचल संस्कृति भाषा अकादमी शिमला संस्कृति विभाग द्वारा विश्वविद्यालय मंडल संचालित कला एवं वाणिज्यिक महाविद्यालय अकलकुवा महाराष्ट्र समीधा शब्द संस्कृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन सत्र में पद्मश्री डॉ उमेश भारती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन संयोजक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि उनकी तीसरी संगोष्ठी है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसे इसीलिए चुना गया है क्योंकि आज हमारा युवा भारतीय संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। संस्कृति और संस्कार दोनों का अनुसरण करते हुए धर्म के महत्व की जानकारी इसके माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी में 25 राज्यों के लोग भाग ले रहे हैं और 7 देशों से आए लोग भी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से इस संगोष्ठी से जुड़े हुए हैं। मैं ये मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन तीसरी संगोष्ठी है इंटरनेशनल लेवल पर। इससे पहले मैंने नेपाल में काठमांडू राजस्थान में भी की थी। इस संगोष्ठी का जो हमने विषय रखा है वो है 21वीं सदी में श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता। विषय इसलिए चुना है क्योंकि आज हमारा युवा, हर घर में ये परेशानी आ रही है कि हमारे बच्चे हमारे संस्कार छोड़ते जा रहे हैं। ये संस्कृति संस्कार दोनों का हमने अनुसरण करते हुए कि बच्चों को धार्मिकता क्या है, धर्म के नाम पर आप लड़ने के लिए आ जाते हैं कि धर्म क्या है, बिना जाने हुए आप उससे कि और बढ़ रहे हैं। कितने युवाओं ने आज गीता पढ़ी है। इवन जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, नवंबर से हमारा शुरू हुआ था, तब से मैंने 3 बार गीता पढ़ी है। उससे पहले मैंने आज तक कोई भी मतलब श्लोक वगैरह 1 या 2 ही पढ़ा था, ज़्यादा मैंने नहीं पढ़े थे। हमारे संगोष्ठी करने का जो उद्देश्य है शिमला में, कि एक तो शिमला की जो संस्कृति है उससे हमारे पूरे भारत के 28 राज्यों में से 25 राज्यों से हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। 7 देशों के इसमें लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है। रूस, नीदरलैंड और जापान से हमारे साथ आए हुए हैं। जापान की मैडम जा चुकी हैं क्योंकि उनको जल्दी जाना था। और तो ये हमारा यही उद्देश्य है इसका। हमारा जो सर ने हमारा साथ दिया है, सहयोग देने वाले सुदर्शन वशिष्ठ जी हैं शिमला से, अगर ये साथ ना देते तो हम लोगों का ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। कि विशेष रूपरेखा ये है कि जो इसके अलग अलग वक्तव्य हमने रखे हैं, जैसे अभी हमारा उद्घाटन सत्र हुआ था उसमें डॉक्टर उमेश जी आए हुए थे जो पद्मश्री हैं, यहाँ से आपके शिमला से ही हैं, और उन्होंने उद्घाटन सत्र किया। उसके बाद अध्यक्ष का वक्तव्य चढ़ा, अभी प्रथम सत्र में महाराष्ट्र से सर बैठे हुए हैं डॉक्टर गणपत जी, उसके बाद फिर रूस से आएंगे, रूस से अध्यक्षता करेंगे सेकंड सत्र की, अभी सेकंड चल रहा है। इसके बाद भोजन विराम है, फिर हमारा तीर्थ सत्र होगा, फिर हमारा जो सम्मान समारोह है वो चतुर्थ सत्र होगा 4 बजे तक।